हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं और मेरे भाई हम लोग जाने वाले हैं कलावंतिन दुर्ग। मेरे भाई के और दो दोस्त भी आने वाले हैं, सो आई एम गोइंग टू हीरानंदानी नाउ एंड वहां से हम लोग जाने वाले कलावंतिन दुर्ग। इट्स एक्चुअली अ नाइट ट्रैक। ये मच्छर लेंस के सामने घूम रहे हैं एंड इट्स ऑलमोस्ट 12 o'clock नाउ। इट्स नियर पनवेल, सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी एंड लेट्स गो देयर। तो बेसिकली मैं ये नाइट ट्रैक पे फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ और सेकेंड ट्रैक है मेरा लाइफ का। इट्स एक्चुअली नॉट डिफ़िकल्ट आई गेस, बिकॉज जो माउली का ट्रैक मैंने किया था वो बहुत डिफ़िकल्ट लगा था मेरे को, और यहाँ पे सिर्फ लास्ट में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि जो स्टेयर केस है तो वो एकदम स्टीफ है। बट ओवरऑल देखते हैं, एक नया एक्सपीरियंस आएगा, थ्रिलिंग एक्सपीरियंस रहने वाला है। सो लेट्स मूव ऑन। सो श्रेयस, आदर्श एंड सौमित्र, गाइज फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे। एंड कुछ टाइम तो ऐसे लगा कि ये गलत रूट है, बट द रूट वाज राइट एक्चुअली। अभी हमको जाना है टॉप पे, ऑफ कोर्स यहाँ पे दिखेगा नहीं, चार वाजता तुम्ही उतरणार नाही, तुम्हाला दुपारच होईल। वरती स्टे म्हणजे वरती। सो गाइज स्टार्टेड विद आवर ट्रेक। सौमित्र, दिस इज आवर फर्स्ट टाइम एंड दैट टू ऑफ नाइट ट्रेक। यस, हम लोग अभी पहले जाएंगे प्रभय माची, वहाँ पे रुकना है और उसके बाद फिर सुबह हमको टॉप पे जाने को मिलेगा। तो मोस्टली सनराइज हम लोग वहीं पे देखेंगे। सो ट्राई करूँगा मैं टाइम लैप्स निकालने का। अभी तक का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा जा रहा है क्योंकि ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। माहौली जो था, हाँ अब तक माहौली जो था वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था क्योंकि वो मेरा फर्स्ट ट्रैक था, उसमें वो हालत टाइट हो गई थी। इसमें ऐसा नहीं हो रहा था, हाँ धूप भी ज़्यादा था। और मेन मतलब एक अच्छी बात है कि यहाँ पे इन्होंने पेड़ पे बोर्ड लगा के रखे हैं डायरेक्शंस के, तो आप ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होंगे इधर आके। वन गुड थिंग इज़ दैट यहाँ पे मोस्टली हर पॉइंट पे ऐसी बैग्स है जिसमें आपका जो कचरा है, बॉटल्स, एनी वेस्ट, आप वो डाल सकते हो। मैंने मेरा फ़ोन अभी जहाँ पे हम लोग रुके थे वहीं पे छोड़ दिया था एंड अच्छा हुआ अभी जस्ट कुछ 10-12 सेकंड हुआ रहेगा हम लोग को चालू करके फिर से, तो तभी याद आया। अगर ऊपर जाके याद आता तो फिर पता नहीं तब तक रहता या नहीं। इट्स 2:30 नाउ एंड अभी थोड़ी सी हल्की सी वाट लग रही है बिकॉज स्टेप्स थे बीच में। एंड जब और फाइनल डेस्टिनेशन पे जब जाएंगे तो उस पे तो और भी वाट लगने वाली है। बट वो मॉर्निंग में होगा ना वो, हाँ नाइट में अलाउड नहीं है, हाँ बहुत स्टीप स्टेप्स है वो, तो मोस्टली मॉर्निंग में। और ये छोटे छोटे स्टॉल्स दिखेंगे आपको। अभी और जो वेदर है ठंडा होते जा रहा है तो वो एक अच्छा पॉइंट है। सो गाइज अभी हम लोग 60-70% कवर कर चुके हैं और हमको जाना है टॉप पे, तो वो और 30% है ऑफकोर्सली। एंड ये जो टोटल हाइट है इसकी, ये 2-250 feet है। एंड यहाँ तक आने के लिए प्रबल माची है, यहाँ पे टेंट्स की भी सुविधा है। ये जो दिख रहे लाइट्स आपको, यहाँ से आप शायद से टेंट भी रेंट कर सकते हो। एंड यहाँ पे छोटी सी बस्ती है, यहाँ पे लोग रहते हैं, हाँ यहाँ पे लोग हैं और जो टूरिस्ट है यहाँ पे उन्होंने टेंट लगाए हैं सब। सो नाउ हम लोग अभी ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट ही कह सकते हैं। मैंने घर से ब्रेड का पैकेट, पोटैटोज, सब सैंडविच का सामान लाया है, तो अभी हम लोग सब वो खाएंगे और उसके बाद फिर 5 या 6 बजे मोस्टली हम लोग टॉप के लिए निकल जाएंगे और ऊपर से फिर सनराइज़ देखेंगे। एंड जो वेदर है फ़िलहाल में अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा है, या नॉट टू कोल्ड
और बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है, कुछ एक्सट्रीम नहीं है। एंड मेन मतलब हम लोगों ने ये जो यहाँ तक की जर्नी है वो जल्दी कवर की है। नॉर्मली यहाँ तक आने को 2 घंटे लगते हैं, बट आफ्टर टेकिंग 20 मिनट ऑफ ब्रेक हम लोग यहाँ तक 1.5 घंटे में या 90 मिनट्स में हम लोग ऊपर आ चुके हैं। हवा चल रही है उसकी वजह से अच्छा लग रहा है, नहीं तो अगर दिन में आते थे तो दिन में पूरी वाट लगती थी क्योंकि धूप की वजह से बहुत एग्जर्शन होता है। माउलीगढ़ जो हम लोग ने ट्रैक किया था वो भी वीडियो है, तो उसमें ज़्यादा वाट लगी थी, बट ये ज़्यादा मालूम भी नहीं पड़ा। सिर्फ कह सकते कि 5% जो पैचेस है तो उसमें ही वाट लगी क्योंकि स्टेयर्स थे, और आगे जो है तो वो तो डायरेक्ट ही स्टेयर्स है, वो कल देखने ही मिल जाएगा आपको, वो भी दिखा दूंगा मैं। इट्स 4:31 राइट नाउ, सब शांत हो चुका है, हम लोग का भी ब्रेकफास्ट हो चुका है एंड बॉनफायर के मज़े भी हमने लिए। एंड धीरे धीरे ठंड जो है वो बढ़ रही है एंड मेन मतलब हवा बहुत तेज़ चल रही है। अभी हम लोग ये जो एक होटल है यहाँ पे तो इसके पास रुके हैं, इसके लिए हवा इतना लग नहीं रहा है। हल्की हल्की सी नींद भी आ रही है क्योंकि पूरे दिन में जो दिन का रूटीन था वो कंप्लीट करके हम लोग डायरेक्टली रैंडम प्लान बना के रात को आए हैं, सो नींद भी आ रही है हल्की हल्की। बट अभी सिर्फ जो मेन टास्क है तो वो सुबह सुबह चालू होने वाला है क्योंकि जो स्टेयर्स है तो वो एकदम स्टीफ है, स्ट्रेट भी कह सकते हैं, तो वो ऑफकोर्सली मैं आपको सुबह होने के बाद ऑफकोर्सली मैं आपको वो दिखाऊँगा। टिल देन अभी देखते हैं, आराम करने की इच्छा हो रही है, कहीं पे अगर जगह मिलती है तो वहीं पे हम लोग थोड़ा सा लेट जाएंगे। सो या लेट्स सी। अपने को जाना है इधर, और इधर है प्रबलगढ़। हमने अभी स्टार्ट किया है चढ़ना एंड वी आर ट्राइंग टू गो एज मच एज पॉसिबल क्योंकि एक बार जब सन आएगा तो प्रॉब्लम होगा, तो जितना कवर कर सकते हैं उतना कर रहे हैं एंड द टफ पार्ट हैज स्टार्टेड। दिस इज नथिंग, जैसे ही हम लोग अभी आगे जाने वाले तो वहाँ पे तो स्टीफ है। सैंडल बघना, सैंडल टाइट करतो का आधी? लेफ्ट दगडावर पाय देऊन जाऊ आपण, टॉर्च दे, सपोर्ट दे, टॉर्च पाय लेफ्ट दगडावर टाका, डावा पाय, डावा पाय टाका, लेफ्टला आहे, लेफ्टला हे बघ ना इथे पाय आहे। टॉर्च कुठे आहे, तू घेऊन गेला सरक? तिकडे नको जाऊ, नाही नाही नाही, 5 जण वरती नाही बसणार। थांब जरा 1 मिनिट, वर कुठे जायला रस्त्या, इथे इथे 1 जण थांबू शकतो, थांब थांब तू, ते 8 टक रोबरो 8 टक जातो। चलो हो आलो,
See this teeth. ये पूरा डीप है. यहाँ से अभी सनराइज होगा फ्रॉम हियर. See this direct steep. Bhai sahab, God, danger. Full. Oh my God, नीचे देखने की हिम्मत नहीं हो रही है मेरी. Oh, चलो कोई नहीं. Oh man, too danger. Too much, three much danger. और मेन मतलब ये है कि यहाँ पे आजू बाजू में बिल्कुल कुछ भी रेलिंग नहीं है, तो और भी डर लग रहा है. बट अभी आए हैं, ऑलमोस्ट अभी 20% या 10% ही बाकी रहेगा, नॉट मोर देन दैट. आराम से आओ. ये आपको डे टाइम में जब मैं दिखाऊंगा ना, तभी सच्ची में आप बोलोगे यार क्या डेंजर है. क्योंकि जिनको हाइट से डर लगता है, प्रिपेयर होके ही आना. आना ही मत. करेक्ट. क्योंकि नीचे डायरेक्ट, छोड़ो बाद में बात करते, पहले जाते हैं ऊपर. सी, मैं पूरा घिस घिस के जा रहा हूँ दीवार से. बट एक नया एक्सपीरियंस आने वाला है जरूर. सी मैन सी. अरे लेट्स फोकस. आते वक्त बनाते व्लॉग, और ऊपर हो सके तो सनराइज का टाइम लैप्स.